वेलकम गाइस, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है चिकन एग रोल। तो चलते हैं अपने एग रोल की रेसिपी की तरफ। पहले हम रोल्स की तैयारी करेंगे, जिसमें लिया है मैंने 2 कप मैदा, 1 कप दूध, 3 अदद अंडे और पानी आप इतना लेंगे कि आपकी ये एक परफेक्ट बैटर बन जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर अंडे ऐड करूँगी। और साथ ही इसको मिक्स कर लूँगी और दूध ऐड कर दूँगी। नीम गरम दूध है मेरे पास। आप देख सकते हैं दूध, अंडे और मैदे को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी और इसको मैं मिक्स करूँगी। सो गाइज, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक स्मूथ बैटर रेडी कर लिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब इस बैटर के हम क्यूब्स रेडी करेंगे रोल्स के लिए। तो चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो गाइज, फ्राई पैन मैंने गर्म कर लिया और इसके अंदर अब मैं डालूंगी अपना ये मिक्सचर। ऐड करके इसको फौरन से इस तरह से ने फैला देना ताकि आपके पास एक बारीक सा ब्रेड हो। देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको डाल के तो फैलाया था। अब इसको मैं उल्टा लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से कलर देना है। तो थोड़ा सा कुक करके बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह मैं आपको बाकी भी क्रिप्स रेडी करूँगी और फिर उसके बाद मिलते हैं। क्रिप्स बिल्कुल रेडी हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट क्रिप्स रेडी हैं मेरे पास। तो अब हम चलेंगे अपनी फिलिंग की तरफ। जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शिमला मिर्च। मैंने ली हैं 2 शिमला मिर्च मेरे पास थी छोटे साइज़ की, 1 बड़ा प्याज, साथ ही मैंने लिया 1 बड़ा आलू जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया, आप देख सकते हैं। साथ मैंने चिकन लिया जिसको मैंने श्रेड कर लिया बॉयल करके। साथ ही साथ 1/2 कप सोया सॉस, 1/2 कप सिरका और साथ ही मैंने लिए 2 टेबलस्पून हॉट सॉस। इसके अलावा मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून धरा मिर्च, 1/2 टेबलस्पून काले मिर्च, साथ ज़ीरा मैंने लिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून वाइट मिर्च और साथ 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून अदरक पाउडर लिया मैंने और साथ ही मैंने लिए 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो मैंने पैन ले लिया जिसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया और इसमें ऐड करूँगी अब मैं लहसुन। इसको गोल्डन करेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन तकरीबन गोल्डन हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी आलू, क्योंकि आलू फ्राई होने में टाइम लेते हैं पकने में। पहले आलू ऐड करेंगे। आलू जब फ्राई हो जाएंगे इनको फ्राई होने के बाद उसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी, साथ ही शिमला मिर्च ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इन सब सब्जियों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। मैं सब कुछ मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं कि सब कुछ जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। ये देखिए, ये सब कुछ मिल जाएगा इसमें। ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मीन्स के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका और सोया सॉस। पहले सोया सॉस ऐड की मैंने, अब ऐड करूँगी इसके अंदर मैं सिरका। सिरका से मिक्स कर लूँगी। Thank you.
साथ ही ऐड कर दूंगी इसमें अपनी हॉट सॉस। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपके पास आएगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम जो हैं आपके इंग्रेडिएंट्स वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें बहुत स्पाइसी और यम्मी मिक्सचर में पक रही है, इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो मैंने सिरका सोया सॉस और हॉट सॉस ऐड की है वो खुश्क हो जाए। और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने रोल्स की तरफ और फ्राइंग की तरफ। लिंग मेरी बिल्कुल रेडी है, अब हम चलेंगे अपने रोल्स बनाने की तरफ। तो मैंने एक क्रीप लिया है जिसको मैंने इस साइड अंदर रखी है और अब इसको अब मैं बताऊंगी आपको आपने इसको कैसे रोल करना है, कैसे फिलिंग करनी है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस तरह से इसके अंदर मैं फिलिंग ऐड करूंगी। गर्म है क्योंकि अभी आपने इसको ठंडे करके यूज़ करना है। इस तरह से लगा के सबसे एक बारीक लेयर लगानी है, ज़्यादा सख्त नहीं करना, सॉरी ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है आपने। और इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले इस साइड से इसको आप अंदर करेंगे, फिर एक फोल्ड और फिर इसके एजेस पे एक मैंने बैटर बनाया है अंडे का और मैदे का, एक अंडा और 2 टेबलस्पून मैदा लेके आपने ये बैटर बना लेना है। इसको इसके एज पे लगाना है और इस तरह से फोल्ड कर देना। इसी तरह से आपने अपने बाकी रोल्स भी रेडी कर लेने। मेरे जो हैं ये एग रोल्स ये बिल्कुल रेडी हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, अब चलते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ। इस तरह से मैं इसको इसके अंदर डालूंगी, सब रोल्स को सब नहीं डालूंगी, तकरीबन 2 या 3 करके फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं ऐड करने आपने। और आपने जो है ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म करने रखना है वरना ये नीचे लग जाएगा या कुछ भी हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं। परफेक्ट फ्राइंग के लिए आपने इसका ऑयल परफेक्ट गर्म करना है। देख सकते हैं किस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं और इनको मैं उल्टाऊंगी। इसको आप देख सकते हैं अभी सब प्योर गोल्डन कलर नहीं हुआ, इसको मैंने गोल्डन करना है। तो इसको अच्छे तरीके से गोल्डन करके फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से गोल्डन करने बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने यमी और खस्ता बने हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो है तो आपको इन्फॉर्म हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।